हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिरिचलेट टेस्ट टाइप वन है आपका, क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का केस है। तो इससे पहले भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिरिचलेट टेस्ट क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन आपका बाउंडेड और मोनोटोनिक है, आपका कोई फंक्शन एफएक्स बाउंडेड और मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में, ए इनफाइनाइट में, तो क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी फंक्शन एक्स अगर आपकी जीरो आ जाती है, तो जो आपका गिवन इंटीग्रल होगा देन इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी और कन्वर्जेंस होंगी, क्योंकि जो आपका मॉड के अंदर आप लेंगे लिमिट ए टू एक्स फाई एक्स डी एक्स इज बाउंडेड होगा एस टेक एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, इफ एफ एक्स बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन ए इन्फिनिटी एंड इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट फंक्शन एक्स इज़ टू जीरो देन द इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स इज़ टू जीरो कन्वर्जेस प्रोवाइडेड ए टू एक्स फाई एक्स डी एक्स इज बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज। ये चीज़ थी आपकी स्टेटमेंट में। इस चीज़ को आपको तभी बेटर वे में समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और जहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, और हाँ, क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तो आपको उसमें बताएगा नहीं कि ये डिरिचलेट टेस्ट करना है या इससे करना है। आपको क्वेश्चन देखिए समझना है कि ये क्वेश्चन इसी वे में होगा, इस मेथड में होगा। तो वो चीज़ आप तभी प्रॉपर वे में कर पाएंगे जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन एक्स मैं मान लेता हूँ 1/√x और फाई एक्स मान लेता हूँ मैं साइन एक्स। देखिए, आपको ऑब्वियसली पता है कि जो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 1/√x जो रूट एक्स है वो एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना नहीं आता है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना के रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हैं। जनरली क्या करना होता है आपको, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अगर उसकी वैल्यू जीरो से लेस हो जाती है यानी कि नेगेटिव में आ जाती है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये तो आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गई। अब हमें चेक करते हैं जो केस होती है लिमिट एक्स टेंस टू आपको इन्फिनिटी लेना होता है फंक्शन एक्स में, तो वो हम चेक करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन एक्स यानी कि 1/√x 1/∞ क्या होता है आपका जीरो। तो जो आपकी कंडीशन थी यहाँ तक तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन में, मॉड के अंदर ए टू एक्स फाई एक्स डी एक्स यानी फाई एक्स हमारे पास क्या था साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, हालांकि बाहर मॉड है तो माइनस हट जाएगा यानी कि प्लस आ जाएगा, और आप इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने रख दी है, और मैं इसकी वैल्यू दो या दो से छोटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस, और आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो एक या एक से छोटी होती है, माइनस एक से छोटी होती है और एक या एक से छोटी होती है और माइनस एक एक से बड़ी होती है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, इसी वजह से यहाँ पर ये वैल्यूज टू आ गई है, जो कि दो या दो से छोटी है और एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू है, आपका लिमिट ऊपर वाला फंक्शन जीरो था, तो आइडियल कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये जो गिवन इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स वो आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में भी ज़्यादा बार पूछा जाता है। कैसे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, जहाँ पर जो ए है वो उसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, इसे हमें शो करके दिखाना है कन्वर्जेंट। तो देखिए, जो गिवन इंटीग्रल है हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जीरो टू अल्फा ले लिया ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस अल्फा टू इन्फिनिटी, जहाँ पर हमारी लिमिट
अपर वाली खत्म हुई है वहीं से लोअर वाली को स्टार्ट करना होता है, ये रूल आपको पता होगा। e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक इंटीग्रल को मैंने दो इंटीग्रल के टर्म्स में तोड़ दिया है और यहाँ पर जो मैंने अल्फा लिया है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, इस चीज़ को भी आपको मेंशन करना होगा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहला टर्म दिखा है इंटीग्रेशन का, यहाँ पर आपका इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है लिमिट में, यानी कि आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो नहीं है। दूसरे वाला में देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी है, यानी कि ये वाला इंटीग्रल आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो पहला वाला लेते हैं हम, पहला वाला आपका प्रॉपर इंटीग्रल है और दूसरा वाला आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो पहले की बात करते हैं, अगर देखिए लिमिट आप x की जगह पर जीरो रख देंगे e की पावर माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए e की पावर माइनस ए इंटू जीरो, आप लिमिट को अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो इसकी लिमिट इसके साथ आ गई और इसकी लिमिट इसके साथ आ गई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और e की पावर जीरो की वैल्यू भी होती है 1, तो ये आ गया आपका 1, यानी कि एक फाइनाइट नंबर है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं हम दूसरे लिमिट की, जो हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल अल्फा टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी बात करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इस वाले फंक्शन में मैंने फंक्शन x को मान लिया है e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स मान लिया है और फाई एक्स को मैंने मान लिया है साइन एक्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका जो फंक्शन x है e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, वो क्लियरली दिख रहा है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी मैंने बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा और ये बाउंडेड भी होगा, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन भी है और बाउंडेड भी है। फॉर व्हेन x टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो, जब हम सारी वैल्यूज जो हम ले रहे हैं वो जीरो से बड़ी ले रहे हैं x पर। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे इसकी, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, जब हम लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स किसी के बट्टे में भी अगर इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो, यानी कि वन अपॉन यहाँ पर इन्फिनिटी ना, वो हो गया है जीरो। तो एक कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में क्या होती थी कि हमें लेना होता था मॉड, मॉड ले लिए और फंक्शन ले लिए लिमिट ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स साइन एक्स है, फंक्शन हमारे पास क्या था? फाइव एक्स साइन एक्स था, तो ए टू एक्स साइन एक्स डी एक्स है जो कि बाउंडेड है। अब क्या है, देखिए ये एक बाउंडेड फंक्शन है, तो जो आपका आइडियल कंडीशन होता है आपका लिमिट जीरो था वो आपका बाउंडेड आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो जीरो टू अल्फा e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स है वो आपका कन्वर्जेंट है, यानी कि जो टोटल इंटीग्रल है कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट हमेशा कन्वर्जेंट ही होता है, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, वो भी एक आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट फंक्शन हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।